जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के दिव्य संस्मरण। पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री कहती हैं श्री सावित्री बाई फोगला जी, कहती हैं सुख दान की भावना। जब पूज्य बाबा का काष्ठमौन व्रत था, तब उनकी कुटिया के बाड़े के भीतर केवल हम तीन व्यक्ति ही जा सकते थे, पूज्य श्री भाई जी, माँ और मैं। बाबा को भिक्षा करवाना है अथवा उनको जल पिलाना है, यह कार्य भी हम तीनों में से किसी एक के द्वारा होता था। बाबा भिक्षा प्रायः सूर्यास्त के बाद किया करते थे, अतः रात के कुछ बीत जाने पर प्यास लगना स्वाभाविक है। भगत जी माँ को बुलाने आया करते थे और माँ श्री भगत जी के साथ कुटिया पर जाया करती थी बाबा को जल पिलाने के लिए। यदि माँ अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाती थी तो मैं जाया करती थी। कभी कभी तो भगत जी आधी रात के समय बुलाने के लिए आया करते थे, और चाहे वर्षा ऋतु में घोर पानी बरस रहा हो अथवा शीत ऋतु में घना जाड़ा लग रहा हो, हम दोनों में से कोई जल पिलाने के लिए जाता ही था। अपनी अस्वस्थता के बाद भी हम लोग जाया करते थे, जिससे कि पूज्य बाबूजी को जाने का कष्ट न उठाना पड़े। भाई जी का एक एक क्षण बड़ा ही मूल्यवान होता था, अतः हम दोनों का ध्यान सदा यही रहता था कि अत्यधिक व्यस्त बाबूजी कम से कम इस कार्य से तो मुक्त ही रहें। हम लोग भाई जी का ध्यान रखें, इससे अधिक वे हमारा ध्यान रखते थे। यदि भाई जी को कभी पता चल जाता कि मैं और माँ कुछ अस्वस्थ हैं, तो वे तुरंत भगत जी के साथ भिक्षा कराने के लिए अथवा पानी पिलाने के लिए कुटिया की ओर चल देते थे। उनको उठने में देर नहीं लगती थी। वे चाहे आवश्यक कार्य में व्यस्त हों अथवा स्वयं ही शरीर से अस्वस्थ हों, अपनी धोती संभालते हुए वे भगत जी के साथ चल ही पड़ते थे। यह केवल एक या दो बार की बात नहीं है, अपितु ऐसा प्रायः होता रहता था। सचमुच उन्होंने जितना स्नेह माँ को दिया और जितना वात्सल्य मुझको दिया, उसकी कोई सीमा नहीं। मुझे अथवा माँ को सुख देने की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो जो और जितना जितना किया, वस्तुतः उसका अनुमान भी कल्पना से परे है। संभाल की तत्परता देखिए। बात उस समय की है जब मेरी आयु लगभग 10 वर्ष की रही होगी। तब गीता वाटिका में बिजली नहीं थी। वाटिका के भीतर न इतने मकान थे और वाटिका के बाहर ना कोई बस्ती थी। था चारों ओर जंगल ही जंगल। घर में नौकर चाकर भी नहीं थे। सारा काम अपने हाथ से करना होता था, जिसे आजकल पावन कक्ष कहते हैं। यह कमरा भी तब नहीं बना था। इसका निर्माण तो बहुत वर्षों के बाद हुआ। तब बाबूजी उस कमरे में रहते थे जो भिक्षा घर के ऊपर है। उस कमरे में रहते हुए वे कल्याण पत्रिका के संपादन का कार्य किया करते थे। एक रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। पानी मूसलाधार बरसा कर रहा था। बरामदा तो पानी से भरा ही गया, बरसात का पानी कमरे में भी आने लग गया। ऐसा लगता है कि छत के कूड़े कचरे से नाली का मुंह बंद हो गया और निकास बंद हो जाने से बढ़ता हुआ पानी कमरे में फैलने लगा। कमरे में भाई जी की बहुत सी फाइलें नीचे भूमि पर पड़ी हुई थीं, और भी कई कागज़ थे। मैं, माँ और बाबूजी, हम तीनों ही कागजों फाइलों को उठा उठा कर ऊँचे रखने लग गए। ज़मीन पर बिछे हुए गद्दे को जल्दी जल्दी समेट कर ऊपर रखा गया। बढ़ते हुए पानी से बचाव के लिए हम तीनों लोग तत्परता पूर्वक उठा उठा करके सामान ऊपर रख रहे थे। तभी बाबूजी, बाबूजी का अर्थ यहाँ पे भाई जी ही है, कभी मैं बाबूजी बोल देता हूँ कभी भाई जी, बाबूजी ने कहा, सावित्री तुम चीज़ों को कागजों को संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। मैंने पूछा, इतनी तेज़ बरसात में आप कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी ने कोई कारण तो बतलाया नहीं, केवल अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, यह कहते कहते लालटेन उठाई और चल दिए। बाद में तो सब पता चल ही गया। बाबूजी जा रहे थे बगीचे के पीछे
पिछले भाग में इमली के विशाल वृक्ष की ओर, जहां बाबा फूस की कुटिया में रहते थे। उन दिनों बगीचे के पिछले भाग में बड़ी ऊंची ऊंची घास थी, इतनी ऊंची कि उसमें कोई आदमी छिप जाए। घास के उस जंगल में मोटे मोटे लंबे लंबे सांप भी बहुत थे, कभी पगडंडी पर पड़े हुए, कभी वृक्षों से लटकते हुए। ऐसे होकर भी बाबूजी लालटेन लेकर बाबा के पास गए। वहां जाकर देखा कि बाबा अपनी कुटिया में भीग रहे हैं। इस परिस्थिति का अनुमान करके ही तो बाबूजी लालटेन लेकर कमरे से तुरंत चल पड़े थे। अपने अनुमान को प्रत्यक्ष देखकर बाबूजी का हृदय स्नेहाद्र हो उठा कि बाबा कितना कष्ट पा रहे हैं। पूज्य बाबूजी ने तत्काल बाबा का हाथ पकड़ा और उनको उठाकर अपने साथ ले आए। ऐसी थी पूज्य बाबूजी के मन की ममत्व की भावना और ऐसी थी उनके मन में संभाल की तत्परता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।